हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताएं भैया। यूपी अरे सर, ता तक न्यूज सर चैनल मैं यूपी न्यूज ता तक से बात कर रहा हूँ सर। एक जी। छोटी सी जानकारी चाहिए, जो आप लोगों की मांगे हैं सर वैक्सीनेटर साहब की, वो आप लोग क्या मांगे कर रहे हैं, और क्या जो पिछले जो धरना प्रदर्शन हुए थे उस पर जो है, जो बहुत सारे लोग गए थे, इको गार्डन में भी हुआ था, उस पर जो है सरकार का क्या जो है नजरिया रहा, सरकार ने उस पर क्या एक्शन लिया, क्या किया, उसके बारे में सर आप कुछ हमें बताएं। देखिए, उपरोक्त विवरण से आपको स्पष्ट होना चाहिए कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम योजना के अंतर्गत जो वैक्सीनेटर सहायकों की भर्ती की गई थी, जी ये सर, उत्तर प्रदेश नहीं अपितु सारे प्रदेशों में की गई है। अच्छा और अच्छा राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम योजना भारत सरकार मोदी जी की योजना है। अच्छा सर, इसलिए जो इको गार्डन में धरना प्रदर्शन हुआ, उसका जो है हम लोगों को कोई असर नहीं दिखा। जी सरकार ने जो है हमारी समस्याओं को सुना, लेकिन कागज को बंद बक्से में डाल दिया, कूड़ेदान में डाल दिया। नहीं जी तो जी आज 6 वर्ष में हम लोग सिलेक्शन हो गया होता, और ना कुछ तो 10,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाना हम लोगों को अनिवार्य था, कम से कम। सर, जी सर, लेकिन सारे वहां के उच्च अधिकारी, पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम योजना परिक्षेत्र, पशुपालन विभाग डायरेक्टर निर्देशक का कहना है, उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग की, ये मोदी जी की योजना है और इस पर जो भी करेंगे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ही करेंगे। जी सर, तो इसीलिए हमने संघर्ष की लड़ाई लड़ते हुए और वैक्सीनेटर सहायकों को संगठित करते हुए आगामी धरना प्रदर्शन का जो आगाज किए हैं, उसमें जी सारे सर, वैक्सीनेटर आवे और वहां पहुंचे और आगे जो है सरकार से अपनी मांग को रखें। तो सर, तो क्या उम्मीदें हैं सरकार से, क्या आपको उम्मीदें हैं कि सरकार इस देखिए बार आपकी बात उम्मीद को ये सुनेगी? है, देखिए उम्मीद ये है कि संघर्ष की लड़ाई है और सरकार चुनाव है, इसलिए उम्मीद जगी हुई है हम लोगों की कि सरकार कहीं ना कहीं से हम वैक्सीनेटर सहायकों के साथ अन्याय नहीं कर सकती है और हम वैक्सीनेटर सहायकों को नियमितीकरण कर मासिक वेतन जरूर देगी। सरकार चलिए सर, बहुत बहुत ने धन्यवाद सभी आप। को ध्यान दिया। चलिए सर, आपने बहुत बहुत टाइम दिया अपना, और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर।